गुड मॉर्निंग मैम। आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। चलो, हमारे चार चैप्टर कंप्लीट हो गए थे, ठीक है? आज हम पांचवा चैप्टर पढ़ेंगे। बच्चे सारे नहीं आए, क्या बात है? सेवेंथ चैप्टर फिफ्थ चैप्टर है अपना आज। हाँ, यस। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मॉर्निंग मैम। गुड हर्षिता, मॉर्निंग मैम। कुणाल, अभय, तनिषा, ठीक है? देखो, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? देखो, हमने चार चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे, आज हमारा पांचवा चैप्टर है, पंचमय है, पाठ है, पांचवा पाठ क्या है? पंडिता रमाबाई। कौन सा है? पंडिता रमाबाई, जिन्होंने स्त्रियों की शिक्षा के लिए बहुत कार्य किए थे। किसने? पंडिता रमाबाई ने। पंडिता रमाबाई ने स्त्रियों की शिक्षा के लिए बहुत सारे कार्य किए थे, और उन्होंने उन्हें क्या क्या कष्ट झेलने पड़े और उन्हें क्या क्या उपलब्धियां हासिल हुई, इसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। बीच में मैं आपसे ग्रामर के भी पूछूंगी, तो आपको बताना है, ठीक है ना, जो पढ़ाए हुए हैं उनमें से। स्त्री शिक्षा क्षेत्र, स्त्री की शिक्षा के क्षेत्र में, सप्तमी विभक्ति है, में पर आता है, तो स्त्री की शिक्षा के क्षेत्र में अग्रगण्य सबसे पहले गिनी जाने वाली, सबसे आगे रहने वाली रमाबाई। रमाबाई का जन्म कब हुआ था? 1858 में, 1858 ईस्वी में। बेटा, जिसके पास बुक है ना, बुक साथ में लेके बैठ जाओ। आपको बुक आपको लानी है तो बुक सबके पास होनी चाहिए, ठीक है ना? तो 1858 ईस्वी में, शताब्दी में, या जो 58 ईस्वी थी उस समय जन्म अलभत, जन्म उन्होंने प्राप्त किया। बताओ, अलभत में कौन सा लकार है? लंग लकार। लंग लकार, जो भूतकाल अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो उन्होंने 1858 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। तस्याः पिता, उनके पिता, यहाँ तस्य नहीं आया, तस्या आया, क्यों? स्त्रीलिंग है इसलिए। तो तस्याः पिता, उनके पिता, अनंत शास्त्री डोंगरे। रमाबाई के पिता का क्या नाम था? अनंत शास्त्री डोंगरे। तो उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम, और माता का नाम क्या था? लक्ष्मीबाई था। देखो, लक्ष्मी जो रमाबाई है, उनके पिता का नाम तो क्या था? अनंत शास्त्री डोंगरे। अनंत शास्त्री डोंगरे, शास्त्री डोंगरे। और माता का नाम लक्ष्मी, लक्ष्मीबाई। माता का नाम लक्ष्मीबाई था। तस्मिन काले, उस समय जब उनका जन्म हुआ था, पंडिता रमाबाई का जन्म हुआ था, उस समय स्त्री शिक्षा यह स्थिति चिंतनीय आसीत।
स्त्री शिक्षा की जो स्थिति है वो बहुत चिंतनीय थी। स्त्रियों को पढ़ाया नहीं जाता था, उन्हें विद्यालय नहीं भेजा जाता था, उन्हें घर से बाहर भी नहीं निकाला जाता था। तो उनकी जो स्थिति है शिक्षा के क्षेत्र में वो बहुत ही दयनीय थी, चिंतनीय थी। स्त्रीणाम कृते संस्कृत शिक्षणम प्रायः प्रचलितम नास्ति, और स्त्रीणाम कृते स्त्रियों के लिए तो प्रायः जो संस्कृत शिक्षण है वह प्रचलित ही नहीं था। संस्कृत की शिक्षा, वेदों की शिक्षा तो स्त्रियां कर ही नहीं सकती थी, ऐसी स्थिति थी उस समय। किंतु डोंगरे, लेकिन जो अनंत शास्त्री डोंगरे है, पंडिता रमाबाई के जो पिता हैं, उन्होंने क्या किया, रूढ़िबद्धी धारणाम परित्यज्य, इस रूढ़िवादी, कौन सी रूढ़िवादी धारणा, जो स्त्रियों को नहीं पढ़ाया जाता था, इस रूढ़िवादी धारणा को परित्यज्य त्याग कर। अच्छा, परित्यज्य में कौन सा प्रत्यय है, कोई बताएगा मुझे? परित्यज्य, यहाँ पे ये परि उपसर्ग है, त्यज धातु है, लास्ट में ये बचा है, कौन सा प्रत्यय? किसी किस प्रत्यय के पहले उपसर्ग होता है, लास्ट में यह बचता है, बताया हुआ है ना? ल्यप प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय है? ल्यप, और कर के अर्थ में होता है। तो परित्यज्य त्याग कर, किसको त्याग कर? इस रूढ़िवादी विचारधारा को त्याग कर। कौन सी रूढ़िवादी विचारधारा? कि स्त्रियों को नहीं पढ़ाना चाहिए, ये वाली रूढ़िवादी विचारधारा, ठीक है। स्वपत्नी, अपनी पत्नी को, किसको, कौन सी डोंगरे की पत्नी? लक्ष्मीबाई, लक्ष्मीबाई। तो अब स्वपत्नी, अपनी पत्नी को संस्कृत अध्यापयत, संस्कृत का अध्ययन करवाया, उन्होंने खुद ने करवाया, किसने, अनंत शास्त्री डोंगरे ने अपनी पत्नी लक्ष्मीबाई को संस्कृत का अध्ययन करवाया। एदत अर्थ है, इसलिए सह वह समाजस्य प्रतारणाम अपि असहत, शिक्षा स्त्रियों को शिक्षित, अपनी पत्नी को शिक्षित करने के लिए उसने समाज की जो अवहेलना है, समाज की प्रताड़ना है, उसको भी सहन किया। लोग उसको कहते थे तुम अपनी बीवी को पढ़ाते हो, ये करते हो, वो करते हो, समाज का तो काम ही कहना था, क्योंकि स्त्री शिक्षा उस समय प्रचलन में नहीं थी। आज अगर कोई पढ़ता है तो कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन उस समय जो स्त्रियों की शिक्षा थी वह प्रचलन में नहीं थी। अनंतरम, इसके बाद रमा अपि, रमा भी स्वयं मातुः, अपनी माता से संस्कृत शिक्षाम, संस्कृत की शिक्षा प्राप्तवती, प्राप्त की। इसके बाद रमाबाई ने भी अपनी माता से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की, ठीक है। कालक्रमेण, ये एक पैराग्राफ समझ में आ गया क्या सबको? यस मैम। दोबारा देखो, स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रगण्य पंडिता रमाबाई का जन्म 1858 ईस्वी में हुआ था। उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे और माता लक्ष्मीबाई थे। उस समय स्त्री शिक्षा की स्थिति बहुत ही चिंतनीय थी। स्त्रियों के लिए शिक्षण कार्य प्रायः प्रचलन में ही नहीं था, किंतु डोंगरे ने इस रूढ़िवादी विचारधारा को त्याग कर अपनी पत्नी को संस्कृत की शिक्षा प्रदान की, इसलिए उन्हें समाज की प्रताड़ना को भी सहना पड़ा। और इसके बाद पंडिता रमाबाई ने, जो रमा है, उसने भी अपनी माता से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। आगे चले? Yes, ma'am. चलो, काल क्रमेण, समय के साथ रमायाह, रमा के पिता विपन्नः संजाता। समय के साथ रमा के जो पिता हैं, वह उनका क्या हो गया, निधन हो गया। तस्य पितरौ, उसके माता और पिता, ज्येष्ठ भगिनी च, और बड़ी बहिन, ज्येष्ठ भगिनी, बड़ी बहिन दुर्भक्ष पीड़िता, अकाल से पीड़ित, पहले अकाल भी काफी पड़ते थे, तो अकाल से पीड़ित होकर दिवंगता, उनका भी क्या हो गया था, निधन हो गया था। तदंतरम, फिर अकेली कौन बची, रमाबाई बची।
समय के साथ उनके पिता, पहले उनके पिता का निधन हो गया था, उसके बाद उनकी बड़ी बहन और माता का भी निधन हो गया था। तदंतरम इसके पश्चात रमा स्वज्येष्ठ भ्रात्रा सह अपने बड़े भाई के साथ, स्वज्येष्ठ भ्राता, ज्येष्ठ भ्राता मतलब बड़े भाई, अपने बड़े भाई के साथ पदभ्याम पैदल समग्रम संपूर्ण भारतम अभ्रमत, पूरे भारत में घूमी, पैदल मतलब गाड़ी में भी नहीं, पैदल अपने भाई के साथ चारों तरफ घूमी। भ्रमण क्रम में घूमते हुए सा कोलकाता प्राप्त, और घूमते हुए वह कहाँ चली गई, कोलकाता पहुंच गई। संस्कृत वेदुष्यन अपनी संस्कृत में विदुषता के कारण, मतलब उन्हें संस्कृत, अपनी माता से उन्होंने संस्कृत सीखी थी और उसमें उन्होंने महारत हासिल कर रखा था, तो उस विद्वत्ता के कारण, संस्कृत में विद्वत्ता के कारण सा वह तत्र वहां कहां, कोलकाता में, कोलकाता में, वहां कोलकाता में पंडिता सरस्वती च इति उपाधि भ्याम विभूषिता, पंडिता और सरस्वती आदि उपाधियों से क्या हुई, विभूषित हुई। तत्रेव वही, तत्र प्लस एव, तत्रेव तत्र मतलब वहां, एव मतलब ही, वही सा वह ब्रह्म समाजेन प्रभाविता, ब्रह्म समाज से प्रभावित हुई। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, राजा राममोहन राय ने, किसने की थी, राजा राममोहन राय ने ना कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तो उस समाज से प्रभावित होकर वेदा अध्ययनम ए करो, वेदों का अध्ययन किया, किसने, पंडिता रमा बाई ने। पश्चात इसके बाद सा स्त्री नाम कृते, स्त्रियों के लिए वेद आदि नाम, शास्त्र आदि नाम शिक्षाए, वेद आदि की और शास्त्र आदि की शिक्षा, यही शिक्षा के लिए आंदोलनम प्रारब्धवती, आंदोलन प्रारंभ किया। देखो सब उसमें क्या हुआ, समय के साथ उनके पिता थे, पहले बीमार हो गए, फिर उनका निधन हो गया, और अकाल के कारण उनकी बड़ी बहन और उनकी माता का भी क्या हो गया था, निधन हो गया। फिर परिवार में कौन बचे, उनके बड़े भाई और पंडिता रमाबाई, दो ही बचे। तो पंडिता रमाबाई अपने भाई के साथ, अपने बड़े भाई के साथ पूरे भारत में घूमी, घूमते हुए वह कहाँ पहुंची, कोलकाता में पहुंची। वहां पहुंचकर उसने क्या किया, अपनी जो संस्कृत की वैदुष्यता थी उसको प्रकट की, और ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर संपूर्ण वेदों का अध्ययन किया। आप में से कोई मुझे बताएगा कि वेद कितने होते हैं, चार, चार कौन कौन से, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ठीक है, चार वेद होते हैं। तो उन चारों वेदों का अध्ययन किया था किसने, पंडिता रमाबाई ने उन चारों वेदों का अध्ययन किया। फिर अध्ययन करने के बाद स्त्रियों के लिए वेद शिक्षा के लिए, जो स्त्रियां थी उनको वेद पढ़ाने के लिए उन्होंने आंदोलन प्रारब्धवती, आंदोलन प्रारंभ किया। 1880 तमे ख्रीस्ताब्दे 1880 ईस्वी में सा विपिन बिहारी दासेन सह, विपिन बिहारी दास के साथ, विपिन बिहारी दासेन तृतीय विभक्ति है, क्यों, क्योंकि सह के योग में हमेशा तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो विपिन बिहारी दास के साथ सह साथ बाकीपुर न्यायालय, बाकीपुर न्यायालय में विवाहम ए करोत। फिर 1880 में उन्होंने विपिन बिहारी दास के साथ बाकीपुर न्यायालय में विवाह कर लिया। सार्ध एक वर्षात, सार्ध एक मतलब कितने हो गए, साढ़े एक वर्ष, डेढ़ है ना, साढ़े एक नहीं, डेढ़, डेढ़ वर्ष के बाद, अनंतरम बाद तस्याः पति दिवंगत है, उनके पति का भी क्या हो गया था, निधन हो गया था, उनकी शादी के डेढ़ वर्ष बाद उनके पति का भी निधन हो गया था। पहले उनके पिताजी का निधन हुआ, फिर बड़ी बहन और उनकी माताजी का निधन हुआ, फिर जब उन्होंने विवाह किया तो उनके पति का भी क्या हो गया था, निधन हो गया था।
तदंतरम इसके बाद सा पुत्र्या, और इस दौरान उनके एक पुत्री हुई थी जिसका नाम था मनोरमा। क्या नाम था? मनोरमा। ठीक है, देखो सबसे पहले उनके पिता का नाम था अनंत शास्त्री डोगरे, माता का नाम था लक्ष्मीबाई, ठीक है, और उनके जो पति है उनका था विपिन बिहारी दास, और उनकी पुत्री का नाम था मनोरमा। ठीक है, तो मनोरमा, मनोरमया, मनोरमा के साथ जन्मभूमि, जहां उनका जन्म हुआ था, कहां? महाराष्ट्र में। तो जन्मभूमि महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत, अपनी जन्मभूमि महाराष्ट्र वापस आ गई। नारी नाम सम्माननाय, नारी की सम्मान के लिए शिक्षा यही च, और शिक्षा के लिए, नारी के सम्मान के लिए और शिक्षा के लिए सा उसने, किसने? पंडिता रमाबाई ने स्वकीयम जीवनम अर्पितवती, अपना पूरा जीवन अर्पण कर दिया था। नारी के सम्मान और शिक्षा के लिए उन्होंने अपना जीवन अर्पण कर दिया था। किसने? किसने? पंडिता रमाबाई ने। पंडिता रमाबाई ने। हंटर शिक्षा आयोग से, नाम सुना क्या हंटर शिक्षा आयोग? हंटर शिक्षा आयोग के समक्षम समक्ष नारी शिक्षा विषय, नारी की शिक्षा के विषय में स्वयं मतम प्रस्तुतवती, अपना मत प्रस्तुत किया। हंटर आयोग के समक्ष नारी शिक्षा के लिए अपना मत प्रस्तुत किया। किसने? पंडिता रमाबाई ने। सा उच्च शिक्षार्थम, वह उच्च शिक्षा के लिए, आगे की शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश गतवती, कौन से देश में गई? इंग्लैंड देश। इंग्लैंड। आगे की शिक्षा के लिए वह कहाँ चली गई? इंग्लैंड चली गई। तत्र वहाँ ईसाई धर्म से, ईसाई धर्म के स्त्री विषयक, स्त्री विषयक उत्तम विचारे प्रभाविता जाता, वहां पे इंग्लैंड में जो ईसाई धर्म है उनके धर्म में जो स्त्री शिक्षा के प्रति जो विचारधारा थी उससे वह प्रभावित हुई। उत्तम विचार जो थे स्त्रियों के लिए उससे वह प्रभावित हुई। फिर है इंग्लैंड देशात, इंग्लैंड देश से, पहले वह उच्च शिक्षा के लिए कहाँ गई? इंग्लैंड गई। इंग्लैंड देशात कौन सी विभक्ति है? इंग्लैंड देशात, रामात, चतुर्थी, पंचमी, कौन सी है? पंचमी। इंग्लैंड देशात, इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत, इंग्लैंड गई पहले तो, और इंग्लैंड से कहाँ गई? अमेरिका गई। ठीक है, आप भी पढ़ोगे तो ऐसे ही देखो जाओगे दूसरे देशों में। तत्र सा वहां वह भारत से, भारत की विधवा स्त्री नाम सहायतार्थम, विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए अर्थ संचयम अकरोत, जो धन का संचय है, धन इकट्ठा किया, कहां पे? इंग्लैंड में। इंग्लैंड, अमेरिका में। अमेरिका गए, अमेरिका में, अमेरिका में उन्होंने, अमेरिका में। भारत की विधवा स्त्रियां हैं उनकी शिक्षा के लिए उन्होंने धन इकट्ठा किया, उन्होंने धन इकट्ठा किया। भारतम प्रत्यागत्ते, भारत वापस आकर मुंबई नगरे, मुंबई नगर में सा वह, एक मिनट बच्चों, तो उन्होंने क्या किया? अर्थ संचय किया, भारत की विधवा स्त्रियों के लिए धन का संचय किया। भारत प्रत्यागत्ते, भारत वापस आकर मुंबई नगरे, मुंबई नगर में सा वह शारदा सदनम अस्थापयत, मुंबई में उसने कौन से सदन की स्थापना की थी? शारदा सदन। ठीक है, किसके लिए? विधवा स्त्रियों के लिए। शारदा सदनम अस्थापयत, शारदा सदन की स्थापना की। अस्मिन आश्रमे, इस आश्रम में निसहाय, निसहाय स्त्रियः, स्त्रियों के लिए,
निसहाय स्त्री है नी वसंती। और जो इस जो शारदा सदन है उसकी स्थापना उसने कहाँ की थी, मुंबई में। तो उस शारदा सदन में जो निसहाय जिनका कोई सहारा नहीं है, जो अपना जीवन यापन खुद नहीं कर सकती थी या फिर जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर थी, उनके लिए वहां वो स्त्रियां वहां पर रहती थी जो विधवा थी। ठीक है। हाँ, फिर है तत्र स्त्री है, वहां स्त्री खाली बैठी नहीं रहती थी, वहां उन्होंने मुद्रण, मुद्रण का कार्य भी किया, रंगाई छपाई का, ठीक है, टंकण जो टाइपिंग है उसका कार्य सीखा, काष्ट कला आदि नाम च प्रशिक्षणम लभते इसमें, काष्ट कला लकड़ी की वस्तुएं बनाने का प्रशिक्षण प्राप्त किया। वहां पे जो स्त्रियां रहती थी वो फ्री नहीं बैठती थी, कुछ ना कुछ कार्य करती थी, तो उन्होंने वहां पे जो रंगाई छपाई का कार्य है, टाइपिंग का कार्य है और लकड़ी की चीजें बनाने का कार्य है, उसका प्रशिक्षण उन्होंने वहां प्राप्त किया। परम, लेकिन इदम सदनम, यह जो सदन है, कौन सा सदन, कौन सा सदन, कौन सा सदन, शारदा सदन, कौन सा, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या, मेहमान। तो जो शारदा सदन है वहां पे, वो जो शारदा सदन है वह मुंबई नगरे स्थानांतरितम जातम, पुणे नगरे, पहले तो वह कहाँ था, मुंबई में था, और मुंबई से वहां पे उसको कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया, पुणे में स्थानांतरित कर दिया गया। ठीक है, आगे देखो, ततः पुणे नगर से समीप है, इसके बाद पुणे नगर के पास केड़ गांव स्थाने, केड़ गांव नाम का एक स्थान है, मुक्ति मिशन, और वहां पे उन्होंने मुक्ति मिशन की स्थापना, एक संस्था की और स्थापना की, पहले उसने शारदा सदन की स्थापना की, इसके बाद मुक्ति मिशन की स्थापना की, नाम संस्था स्थापितम, तत्र अधुना अपि, आज वहां, अधुना अपि, आज भी निराश्रिता स्त्रिय है, निराश्रित स्त्रिया जिसका कोई आसरा नहीं है, जिसका कोई ऊपर, जिनके मतलब जिनका कोई पालन पोषण नहीं करने वाला है, वे स्त्रियां सम्मानम जीवनम यापयंती, अब सम्मान के साथ अपना जीवन जी रही है, कहां पे, मुक्ति मिशन। पहले उन्होंने शारदा सदन की स्थापना की, शारदा सदन के पश्चात उन्होंने पहले मुंबई में शारदा सदन की स्थापना की, मुंबई से शारदा सदन को वो पुणे ले आई, और पुणे के समीप एक गाँव है केड़ गाँव, केड़ गांव है, वहां पे उस केड़ गांव में उन्होंने मुक्ति मिशन नाम की एक संस्था की स्थापना की, और वहां पे वो जो मुक्ति मिशन संस्था है वहां पे आज भी जो स्त्रियां हैं वह सम्मान के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रही है। 1922 समय ख्रीस्ताब्दे, और जन्म कब हुआ था उनका, 1858 में, ठीक है, और 1922 समय ख्रीस्ताब्दे 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदया जो है उनका निधन हो गया, निधनम अभवत, उनका निधन हो गया। सा वह देश विदेशान अनेकासु भाषासु निपुणा संति, क्योंकि वो जगह जगह घूम रही थी, तो जगह जगह घूमते हुए उन्होंने अनेक देश विदेश की भाव जो भाषाएं हैं उनका ज्ञान अर्जन किया, देश विदेश में जो अनेक भाषाएं हैं उनको उन्होंने सीखा। समाज सेवायाः, समाज की सेवा के लिए अतिरिक्तम, समाज की सेवा के अतिरिक्त लेखन क्षेत्रे अपि तस्याः महत्वपूर्ण अवदानम अस्ति, समाज सेवा के आगे वो एक लेखन कार्य भी करती थी, लिखने का काम भी करती थी, उन्होंने कई ग्रंथ लिखे हैं, जैसे स्त्री धर्म नीति, क्या लिखा उन्होंने, स्त्री धर्म नीति, हाई कास्ट हिंदू विमेन और स्त्री धर्म नीति इति तस्याः प्रसिद्ध रचना द्वयम् वर्तते, यह दो उसकी प्रसिद्ध रचनाएं थी, कौन कौन सी, स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू विमेन, ये दो उनकी क्या थी, रचनाएं थी। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, चलो मैं आपसे प्रश्न पूछती हूँ, पंडिता रमाबाई का जन्म कहाँ हुआ था, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में,
कब हुआ था? 1858 में, 1858 में, 1858 में मैम। पिता का नाम क्या था? अनंत शास्त्री डोंगरे। अनंत शास्त्री डोंगरे और माता का शास्त्री डोंगरे। अनंत शास्त्री डोंगरे। अच्छा ये बताओ, पंडिता रमाबाई ने जो संस्कृत की शिक्षा है वह किससे सीखी थी? उसकी माता लक्ष्मीबाई से। अपनी माता लक्ष्मीबाई से उन्होंने जो संस्कृत की शिक्षा है वह सीखी थी। ठीक है, उनके पिता की मृत्यु, माता पिता और बड़ी बहन की मृत्यु किस प्रकार हुई थी? पिता की मृत्यु बीमार के कारण, बीमार होने के बाद में हो गई थी, और माता और बड़ी बहन की अकाल पड़ने के कारण। पिता की मृत्यु तो बीमारी के कारण हो गई थी, और माता और बड़ी बहन की क्या हो गई थी? अकाल के कारण, अकाल पड़ने के कारण। उन्होंने संपूर्ण भारत की यात्रा किसके साथ की थी? अपने बड़े भाई के साथ। यात्रा के दौरान वह कहाँ पहुंची? कोलकाता में। वहाँ पे वह किस समाज से प्रभावित हुई थी? ब्रह्म समाज से। किससे? ब्रह्म समाज। फिर वह उच्च शिक्षा के लिए कहाँ गई? इंग्लैंड देश में। इंग्लैंड से कहाँ गई? अमेरिका में उन्होंने क्या किया? अमेरिका में जो भारत की स्त्रियां थी उनको विधवा थी उनके लिए धन इकट्ठा किया। वेरी गुड। जो भारत की विधवा स्त्रियां थी उनके लिए उन्होंने धन इकट्ठा किया। और भारत आके उसने कौन से सदन की स्थापना की? सारदा सदन की। ठीक है, सारदा सदन में स्त्रियां क्या करती थी? वे खाली नहीं बैठती थी, लकड़ी की वस्त्र बनाती थी। छपाई उस सदन को, और लकड़ी के जो खिलौने बनाने का कार्य है वह सीखती थी। बाद में सारदा सदन का स्थानांतरण कहाँ कर दिया गया? पुणे नगर। तब पुणे नगर के पास केड़ गांव में उन्होंने कौन सी संस्था की स्थापना की थी? मुक्ति सदन है ना। रमाबाई की मृत्यु कब हुई थी? 1922 ईस्वी में। रमाबाई की दो रचनाएं कौन सी थी? स्त्री धर्म नीति, हाष्ट काष्ट हिंदू। स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू विमेन। ये दो उनकी रचनाएं थी। चैप्टर में आ गया सबको? यस मैम। प्रश्न उत्तर कल करेंगे इसके। ठीक है, एक बार ओरली में आपको बता देती हूँ। पंडिता सरस्वती इति उपाध्याभ्याम का विभूषिता। पंडिता और सरस्वती इन उपाधियों से कौन विभूषित हुई थी? रमाबाई। कुतः संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती? रमा ने कहाँ से संस्कृत शिक्षा प्राप्त? अपनी माता से। रमाबाई का विवाह किसके साथ हुआ था बताओ? विपिन बिहारी दास के साथ। और उनकी पुत्री का क्या नाम था? मनोरमा। किनकी शिक्षा के लिए रमाबाई ने स्वकीयम जीवनम अर्पितवती, अपना जीवन अर्पण कर दिया? किनकी शिक्षा के लिए रमाबाई ने अपना जीवन अर्पण कर दिया? स्त्रियों के। रमाबाई उच्च शिक्षार्थम पुत्र गता। रमाबाई उच्च शिक्षा के लिए कहाँ गई थी? इंग्लैंड देश में। ठीक है, आगे समझ में।
यस मैम यस मैम यस मैम यस मैम यस मैम यस